यश कृष्णा, आप कैसे हैं? आप आनंद से हैं, ऐसा भाव लेते हुए भगवत कृपा से 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत का जो है उसके 15वें अध्याय में आज प्रेम से श्रद्धा से प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण हैं। इस अध्याय का हमेशा की तरह पहले हिंदी भाषा में और फिर संस्कृत में पारायण करेंगे। प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उसकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। उनमें 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून तथा 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छानुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकाम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छानुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनसे उनमें आसक्त न होना वशिता है और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8ों सिद्धियां मुझे स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशता प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का न होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना जो जो इच्छा हो वही रूप बना लेना और दूसरे शरीर में प्रवेश करना और जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा दर्शन, संकल्प की सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालना, ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से हो जाती है। भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण दुख सुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देशन के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त कैसे होती है ये बतलाता हूं, सुनो। प्रिय उद्धव, पंच भूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं और उस रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इस प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है, वो भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वो समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकाम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, इन सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरी और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो
जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है उसे परमानंद स्वरूपिणी कामा वैसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रिय उद्धव, मेरा वो रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है वो भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह इन छह उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ। जो मेरे स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है वो दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा आराध्यान करता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वो सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राण वायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से होगी जहां भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वो अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वैसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भवनों के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी की यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राण वायु को क्रमशः हृदय वक्षस्थल कंठ और मस्तक में ले जाए फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरिया विमान चढ़कर उसके पास पहुंच जाती है। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है उसी के ध्यान में संलग्न है। वो अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है उसी समय उसका वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। महिषित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूं इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है उसकी योग में शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चमर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है वो अजेय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है उसे भी सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है उसके लिए तो ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो, उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योग का अभ्यास कर रहे हैं जो मुझसे एक हो रहे हैं उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उसके समय का दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म औषधि तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं। परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझमें चित्त लगाए किसी भी साधना में नहीं हो सकती। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं योग सांख्य और धर्म आदि उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु स्वामी और प्रभु हूँ। जैसे स्थूल पंचभूतावादी भूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त तो स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझमें बाहर भीतर का भेद भी नहीं है क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय
आत्मा हूं। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचदशो अध्याय हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्ण शरण मम श्री कृष्णार्पणमस्तु। संस्कृत भाषा में पंचदशो अध्याय श्री भगवान वाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयिदार्यतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। उतव उवाच तया धारण आकाशे कंतस्वेत् सिद्धिरचित कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्। श्री भगवान वाच सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता धारयाणा धारणा योग फरगे तासामश्रोम प्रदान दशेव गुण हे सव अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रिये प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता गुणेश्व संगो वशिता यत्कामस्तद्दवस्यति एतामे सिद्धय सौम्य अशावोत्पत्ति कामता अनुर्वी मत्त्वं देहेस्मिन् दूरशमन दर्शनम मनोजव कामरूपम परकाय प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युदेवानां सक्रीडानुदर्शनम यथा संकल्प संसेदे राज्ञा प्रतिहता गति त्रिकालयत्व मद्वन्नम परचित्ताद्यभिज्ञता अग्न्य काम्य विषादीनां प्रतिष्ठम्भो पराजय एताशो देशतः प्रोक्ता योगधारण सिद्धय एधारण आयस्याद् यथा वास्यानि बोधमिये भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मन अणिमानम वाप्नोति तन्मात्रोपास को मम महत् यात्मन्मयि परे यथा संस्था मनोधरत महिमान मवाप्नोति भूतानां च पृथक् पृथक् परमाणुमये चित्तं भूतानां रंजयन् काल सूक्ष्मार्थतां योगी लगेमान मवाप्नुयात् धारयन् मय्य हन्तत्वे मनोवैकारिके खिलं सर्वेन्द्रियाणां तत्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः मत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्टव्यं मे विन्दते व्यक्तजन्मनः। विष्णौ त्रयधीश्वरे चित्तं धारयेत् काल विग्रहे यईषि तत्त्वमाप्नोति क्षेत्र क्षेत्र यशोधना नारायणी तु रीराज्ञाख्ये भगवः शब्द शब्दिते मनोमय्या दद्योगी मर्मा वशितान्याद् निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते श्वेतद्वीप तत्पतो चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् च वेततां याति षडूर्मिरहितो नर मयि आकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां मनसो वाच शृणोत्यसो चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषे मां तत्र मनसा ध्यायन् विश्वं पश्यति शुक्मद्रग् मनोमयि सुसंयोज्य देहं तदनुवायुना मद्वारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः यदा मनोपादाय यद्यद्रूपं बभूषति तदत् भवेन्मनोरूपं मद्योग बलमाश्रय परकायं विषं सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिण्डं मित्वा विषेत् प्राणो वायुभूत षड्ग्रीवत पार्षण्यार्पीड्यगुदं प्राणं रदुर कण्ठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नित्पोत्सृजेत् तनुं विहरिष्यन् सुराक्रीड मत्सं सत्त्वं विभावयेत् विमाने नोपतिष्ठन्ते सत्त्ववृत्ति सुरस्त्रिय यथा संकल्पयेद् बुद्ध्या यदा वा मत्पर पुमान् मयि सत्ये मनो यञ्जस्तदा तत्समुपाश्रुते यो वै मद्भावमापन्न इषुतिर्वशितु पुमान् कुतश्चिन्त्य विहन्त्येत तस्य चाज्ञा यथा मम मद्व्यक्ता शुद्ध सत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्म मृत्युपवृन्निता अगण्यादिर्भिर्नहन्येत मुनिर्योगमयं बभूव मद्योगशान्तचित्तस्य यादसामुदकं तथा यथा मद्विभूतिरभिध्यानयन् शिवस्तात्र विभूषिताः ध्वजातपत्र व्यजने
भवेत् पराजितः उपासकस्य मामिवं योगधारणा मुने सिद्ध्या पूर्वकथा उपतिष्ठन्त्यच्छेषतः जितेन्द्रस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुने मद्मारणता धारित कासा सिद्धिं सुदुर्लभा अन्तर्यान् वन्दतीता युञ्जतो योगमुत्तमम् मया सम्पद्यमानस्य काल क्षपण हे तव जन्मौषधि तपो मंत्रेर यावतीरिह सिद्धय योगेना वाप्नोति ता सर्वा नान्येर योग गति व्रजेत सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपतिरहं प्रभुः अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां अमात्मान्तरो बाह्यो नावृत सर्वदेहिनां यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्त स्वयं तथा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचदशो अध्याय हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्ण शरण मम श्रीकृष्ण शरण मम श्रीकृष्ण शरण मम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण।